भारतीय सेना के वीर शहीद नायक गुरसेवक सिंह का उनके गांव दोदे में आधिकारिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जिला तरनतारण के शहीद गुरसेवक सिंह की 8 दिसंबर को भारतीय सेना प्रमुख जनरल रावत के साथ एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे। इस मौके पर सेना की टुकड़ी ने सलामी दी और मातम की धुन बजाई। जवानों ने हवा में भी फायरिंग की। क्या अनाउंस किया गवर्नमेंट की तरफ से, इनको क्या सोचा? अभी तो जैसे आप देख रहे हैं, हम अंतिम संस्कार पे खड़े हैं गुरसेवक सिंह के, नायक जो 8 दिसंबर को एक हादसे में शहीद हो गए थे। उन्होंने सर्विस बेनिफिट्स तो जड़े मिलने ने, वो सारे मिलने ने आर्मी वालों पर, आर्मी वालों ये डिक्लेयर होके आएगा कि ये बैटल कैजुअलिटी है कि नहीं है। अगर बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर होंगी है तो पंजाब सरकार वालों 50 लाख रुपए दिते जाते हैं, जिदे 35 लाख रुपए एक्सग्रेशिया होंगे, 10 लाख रुपए पेरेंट्स लिए असिस्टेंस होंगी है, 5 लाख इन लियू ऑफ प्लॉट मिलता होंगे, ये 50 लाख मिलता है, प्लस चौथी चीज़ होंगी है कि एक योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी होती है। थैंक यू सर। जब इसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये मार्टा है, आर्मी का अपना होता है, वो डिक्लेयर करेंगे कि ये बैटल कैजुअलिटी है कि नहीं है। अगर बैटल कैजुअलिटी होती है तब ये बेनिफिट्स पंजाब सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो अब वो उसको कुछ दिन लगते हैं डिक्लेयर होने में, अभी 10-15 दिन में डिक्लेयर होते हैं। अब इनको क्या फैमिली की कुछ डिमांड्स हैं, बच्चों की स्टडी का, इसके बारे में क्या स्टडी का है, और दूसरा वो है कि एक गेट शहीद के नाम का होना चाहिए बाहर, और ये जो परिवार के लिए क्या खासतौर पर उनको लेकर मांग की जा रही है। नहीं, जो जैसी लोकल लेवल की डिमांड्स होती है ना, गेट बनाने की, बच्चों की स्टडी के लिए, वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप देख लेगी, उसमें अनाउंस करने वाला भी कुछ नहीं है। बच्चे जैसे हम सारे ही देख रहे हैं कि छोटे छोटे हैं, उनका ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा सरकार को। मैं तो वो जो एक लीगल 50 लाख का आप पूछ रहे थे ना, वो बता रहा था कि वो जब बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर होगी तब पंजाब सरकार वो देगी। सर पर जरा है कि वो परिवार को नौकरी वगैरह देने की गल जी है, फौज वालों जी की जाएगी, वो की जाएगी? पंजाब सरकार देती है, 4 चीज़ा देती है, मैं वही दसियां सी। अगर बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर हो जाती है फिर एक्सग्रेशिया 35 लाख, पेरेंट्स को असिस्टेंस 10 लाख, प्लॉट के बदले 5 लाख, ये 50 लाख बन जाता, ये नाल एक नौकरी होंगी योग्यता के अनुसार। सर जेकर बैटल कैजुअलिटी डिकलेयर नहीं होंगी तो अदरवाइज फिर पंजाब सरकार वालों ये नहीं बेनीफिट्स मिलते होंगे, फिर उन्होंने जो आर्मी के सर्विस बेनीफिट्स होंगे, कोई LIC वगैरह होगी, वो वाले मिलते। थैंक यू सर। थैंक यू।